हेलो गाइस, मैं अशोक कुमार, मेरे एक टेस्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम जानेंगे होटल में यूज होने वाले सारे क्रॉकरीज के नाम और उसके यूज के बारे में। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले नंबर पर लिया है क्रीमर पॉट, जिसका यूज होटल के अंदर टी और कॉफ़ी के साथ सेपरेट क्रीम और मिल्क को सर्व करने के लिए किया जाता है। अगला है शुगर बेसिन, जिसका यूज होटल के अंदर टी एंड कॉफ़ी के साथ सेपरेट शुगर इक्वल और कॉफ़ी सैसेट देने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद है एक कप, इसका यूज होटल के अंदर बॉइल्ड एग सर्व करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है एस्ट्रे, ये ज़्यादातर स्मोकिंग वाले एरिया में यूज किया जाता है। इसके अंदर गेस्ट अपने सिगरेट की राख रखने के लिए यूज करते हैं। अगला है टी कप, जिसकी कैपेसिटी होती है 150 ml, इसका यूज होटल के अंदर टी सर्व करने के लिए किया जाता है। अगला है कॉफ़ी कप, जिसकी कैपेसिटी होती है 220 ml, इसका यूज होटल के अंदर कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट सर्व करने के लिए किया जाता है। अगला है एस्प्रेसो कप, इसका यूज होटल के अंदर एस्प्रेसो कॉफ़ी सर्व करने के लिए किया जाता है, और इसकी कैपेसिटी 80 ml होती है। इसके बाद अगला है क्रुएट सेट, जिसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट रहता है, और यह रेस्टोरेंट के हर एक टेबल पर रखा हुआ रहता है। इसके बाद अगला है टी पॉट, जिसकी कैपेसिटी लगभग 2.5 लीटर की होती है, और यह बल्क टी को सर्व करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है कॉफ़ी पॉट, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1.5 लीटर की होती है, और इसका यूज होटल के अंदर बल्क कॉफ़ी को सर्व करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है क्रेसेंट सलाद प्लेट, इसका यूज होटल के अंदर सैलेड को सर्व करने के लिए किया जाता है, और इसकी साइज 8 इंच डायनामीटर होती है। इसके बाद अगला है सॉस बोट, इसका यूज होटल के अंदर स्मॉल सॉसेस एंड ग्रेविस को सर्व करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है स्ट्रॉ होल्डर, जिसका यूज होटल के अंदर बेवरेजेस के साथ स्ट्रॉ को होल्ड करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है वडवास, जिसका यूज होटल के अंदर फ्लावर को होल्ड करने के लिए किया जाता है, यह ज़्यादातर टेबल पर रखा जाता है। इसके बाद अगला है सूप बाउल, जिसका यूज होटल के अंदर सूप को सर्व करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा इसके अंदर सीरियल्स भी सर्व करते हैं। इसके बाद अगला है मंकी बाउल, जो साइज में सूप बाउल से थोड़ा छोटा होता है, और इसका यूज होटल के अंदर सॉसेस और दाल को सर्व करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है चाइनीज सूप बाउल, इसका भी यूज होटल के अंदर सूप और सीरियल्स को सर्व करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है डिनर प्लेट, जिसकी साइज होती है 10 इंच, इसका यूज होटल के अंदर मेन कोर्स सर्व करने के लिए किया जाता है, और इसको फुल प्लेट, जॉइंट प्लेट और मीट प्लेट भी बोलते हैं। और अगला है हाफ प्लेट, जिसकी साइज 8 इंच होती है, इसका यूज होटल के अंदर स्टार्टर, पास्ता, डेजर्ट और फिश सर्व करने के लिए किया जाता है, और इसको डेजर्ट प्लेट और फिश प्लेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला है क्वार्टर प्लेट, जिसकी साइज 6 इंच होती है, और इसका यूज होटल के अंदर ब्रेड और चीज सर्व करने के लिए किया जाता है, और इसको B&B प्लेट और साइड प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला है सॉसर प्लेट, जिसकी साइज होती है 4 इंच, यह ज़्यादातर होटल के अंदर कप और सॉसर के अंडरलाइनर के रूप में यूज किया जाता है। और अगला है वॉल प्लेट, इसका यूज होटल के अंदर फूड को डिस्प्ले करके गेस्ट के सामने सर्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पोर्शन बाउल, जिसका यूज होटल के अंदर किचन से बल्क फूड ला के टेबल पे सर्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगला है स्टार्टर प्लेटर, जिसका यूज होटल के अंदर किचन से स्टार्टर पिकअप करने के लिए किया जाता है, और गेस्ट को सर्व किया जाता है।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।